मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर शुक्रवार को जिला अधिकारी की मौजूदगी में अधिकारियों को नए वोटरों को जोड़ने के साथ ही मोबाइल ऐप पर ज्यादा से ज्यादा वोटरों को जोड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला शुक्रवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के समस्त जिलों के जिलाधिकारियों और प्रभारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वोटर लिस्ट में वोटरों का नाम बढ़ाए जाने और मोबाइल ऐप के जरिए वोटरों को जोड़े जाने की प्रगति पर चर्चा की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द नए वोटरों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, साथ ही साथ वोटरों के सत्यापन पर भी जोर दिया। शुरू से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर 160,000 बूथ है हमारे, 30-30, 40-40 भी हुआ होता तब तक ये फिगर कम से कम 50,00,000 से ऊपर पहुंच गई होती। कुछ जनपदों जैसा बागपत, आगरा, हाथरस, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, महोबा, जौनपुर, सीतापुर, हरदोई, खीरी, तीन जनपदों ने रिलेटिवली अच्छा काम किया है। परंतु फिर भी मैं ये कहूंगा कि एनवीएसपी पे आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, कि वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 1950 वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में आपके बीएलओ को लाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, फिर वहाँ पे स्कैन करके करना पड़ेगा। राजस्थान, एमपी, पंजाब, वहाँ पे अगर वो सब 99% काम हो बीएलओ पे कर रहे हैं, उनके यहाँ सत्यापन हमारे से वोटर काफी कम है, सत्यापन काफी अधिक हो चुका है, आप लोग भी कर सकते हैं। सहारनपुर में मोबाइल ऐप से 10,000 से ऊपर जरा शेयर कीजिए कैसे कराए। हर वीक को मंगलवार को हमने एक फिक्स डेट रखा है, इसमें सारे यारों के साथ हम बैठक करते हैं। और जो ट्रेनिंग का दूसरा सेकंड पॉइंट है, सर एसडीएमसी डेली हम व्हाट्सएप पर सर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मोबाइल ऐप पर सर हमारा ठीक काम हो रहा है सर, और फैसिलिटेशन सेंटर पे भी ठीक काम हुआ है सर। और सभी आपको सर आपके ऊपर आपने मोबाइल ऐप का थ्रू ही कराया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।